हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आसिफ हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन गिफ्ट। तो दोस्तों, ग्रीन गिफ्ट की नई एपिसोड पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब जानते ही होंगे, हर रोज़ हमारे चैनल पर नया नया वीडियो आते रहते। आज भी कुछ चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज एक्चुअल मैं शेयर करने जा रहा हूँ, हमारे पास जो जो मैंगो का मदर प्लांट है वो एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो हमारे पास तो बहुत सारा मदर प्लांट है मैंगो का, इसलिए तो एक वीडियो के अंदर वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सके मैं उतना ही दिखाऊंगा। तो चलिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है वो भी ऑन कर दीजिए, तो आपको बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा नया वीडियो का। आप लोग पहले ही वीडियो देख पाओगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आप लोगों जो दोस्त है दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना किए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा नर्सरी का जो एड्रेस रहता है वो भी एक बार जान लेते हैं। हमारा नर्सरी का एड्रेस है रानीहाटी परपटना देगंगा नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल। पिन कोड रहेगा 743438। इससे बेहतर जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे वो नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो आपको इससे बेहतर जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, और जो लोग बहुत दूर से देख रहे हो उन लोगों के लिए हमारा कुरियर सर्विस अवेलेबल है। आप लोग घर बैठे बैठे हमारे से कुरियर के माध्यम से पौधा ले सकते हो। आप लोगों का घर तक वो पौधा पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारी है। और आप लोग सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग सब रिप्लेस कर देते हैं कोई पौधा डैमेज हो गया कुरियर के जाने के टाइम। तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग वो अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कर दीजिए। आपका पौधा का कोई नुकसान पहुँचाए तो हम लोग फिर से रिप्लेसमेंट करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना किए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मदर प्लांट है मैंगो का। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये हम लोग पहली बार लगाया है, अभी तक ये ग्रो बैग के अंदर ही अवेलेबल है। देख लीजिए, ये मदर प्लांट के तौर पर यहाँ पर रखा गया है, लेकिन ये पहली बार है इसलिए अभी तक ज़मीन में नहीं लगाया हम लोग। ये भी मैंगो का प्लांट है, ये हमारा मदर प्लांट है। देख लीजिए इधर, ये हनीड्यू मैंगो का मदर प्लांट है। इसके अंदर सब फ्लावरिंग चालू हो गया, देख लीजिए बहुत सारा फ्लावरिंग चालू हो गया। तो इसका छोटा पौधा हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है। ये हमारे पास ये जो मदर प्लांट अभी अवेलेबल है, इसका जो एज है ये लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर हुआ है। तो इस टाइम में इतने सारा फ्लावरिंग चालू हो गया है, तो आप लोग सोच लीजिए ये कितना जल्दी फ्रूटिंग करता है ये मैंगो प्लांट। ये सब ग्राफ्टेड है, हमारे पास जो जो पौधा अवेलेबल है सब ग्राफ्टेड पौधा है। देख लीजिए ये कहाँ कहाँ से फ्लावरिंग चालू कर दिया, देख लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी का मैंगो है, हनीड्यू मैंगो प्लांट। इसका बहुत सारा फ्लावरिंग इधर चालू हो गया है। इतना छोटा पौधे के अंदर, 1.5 साल के पौधे के अंदर फ्लावरिंग चालू हो गया। तो मैं आशा करता हूँ इसके अंदर बहुत सारा फ्रूट्स लग जाएगा इस बार, तो आप लोगों के साथ फिर से एक बार शेयर कर दूंगा। ये है हनीड्यू मैंगो। तो इसका बहुत सारा पौधा, छोटा पौधा हमारे पास अवेलेबल है, शायद उसके अंदर भी फ्लावर चालू हो गया है उस छोटा पौधे के अंदर। तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सबसे बेस्ट देने के लिए। हमारा नर्सरी का जो पौधा है आप लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं ही कोशिश करूंगा आप लोगों का सबसे बेस्ट सबसे अच्छा पौधा देने के लिए। तो ये हनीड्यू मैंगो, इसके अलावा बहुत सारा मैंगो पौधा हमारे पास अवेलेबल है मदर प्लांट के तौर पर हमारे इधर लगा हुआ है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, वो क्या चीज़ है देख लेते हैं, कौन सा नया वैरायटी का मैंगो है हमारे पास। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे इधर लगा हुआ है, ये इस साल ही लगा हुआ है इधर। तो सब के सब अभी ग्रो बैग के अंदर है। इस साल जाने के बाद हम लोग सब ज़मीन में लगा दूंगा। देख लीजिए, ये मियाजाकी मैंगो का पौधा है, मियाजाकी मैंगो। इसके अंदर अभी तक फ्लावरिंग चालू नहीं हुआ, आशा करता हूँ इस बार फ्लावरिंग करेगा। देख लीजिए इधर, तो हम लोग मियाजाकी बोल के लगाए हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है इसीलिए ज़मीन पे नहीं लगाया। तो इस बार फ्लावरिंग चालू हो जाएगा तो शायद पहचान पाऊँगा ये ओरिजिनल मियाजाकी है या नहीं। तो अभी मियाजाकी पौधा हम लोग सेल नहीं करते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ। तो कंफर्म होने के बाद ही आपको पौधा देना शुरू कर दूंगा। अभी मेरे पास जो है ये मदर प्लांट के तौर पर लगा हुआ है, ये मैं
कंफर्म नहीं हूँ ये एक्चुअल मियाजा की है या नहीं। तो हेलो, तो बहुत ही जल्द आपको आप लोग जान जाओगे हमारे पास जो पौधा दिखा रहे हैं अभी मियाजा की है या नहीं। तो इसके अलावा बहुत सारा मैंगो है हमारे पास, देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। दोस्तों देख लीजिए, इधर हमारा और भी एक मदर प्लांट लगा हुआ है, किस तरह का फ्लावरिंग चालू कर दिया है देख लीजिए एक बार। एक एक फ्लावर का जो लेंथ है ये बहुत ही बढ़िया लेंथ है, 2 से 2.5 फीट के अंदर अंदर इसका लेंथ है एक फ्लावर का। देख लीजिए कितना सारा फ्लावरिंग चालू कर दिया है। ये भी एक नया वैरायटी का मैंगो का मदर प्लांट है हमारे पास, इसका अंदर बहुत सारा फ्लावरिंग चालू हो गया देख लीजिए। एक छोटा सा एक प्लांट है इस तरह का, ये जो मिट्टी में लगा हुआ है, ज़मीन पे लगा हुआ है देख लीजिए, इस तरह का छोटा। अभी जो प्लांट है इसका हाइट 6 से 6.5 फीट तक हो जाएगा देख लीजिए। इधर सब मदर प्लांट के अंदर फ्लावरिंग चालू कर दिया है सब। एक एक फ्लावर का जो हाइट है या लेंथ है वो बहुत ही बढ़िया लेंथ है, 2 से 2.5 फीट तक हो जाएगा। और इसके अंदर जो फ्रूट होता है ना वो बहुत ही अच्छा दिखता है फ्रूट्स, वो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये ताइवान रेड मैंगो का मदर प्लांट है हमारे इधर लगा हुआ है, ताइवान रेड मैंगो, आप ध्यान से सुन लीजिए, ये ताइवान रेड मैंगो। इसके अंदर भी एक साल के अंदर फ्रूटिंग चालू कर देगा, आप लगाओगे तो एक साल के अंदर फ्रूटिंग चालू कर देंगे ये चीज़। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ताइवान रेड मैंगो, इसका मदर प्लांट हमारे पास अवेलेबल है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हमारा जो ये मदर प्लांट है इसका एज शायद 2 साल तक हुआ है, तो इसके अंदर बहुत ही सारा फ्लावरिंग चालू हो गया। तो ये ताइवान रेड का पौधा हमारे पास छोटा पौधा अवेलेबल है बहुत सारा, आप चाहो तो ये ताइवान रेड का पौधा भी लगा सकते हो। ये जमीन पे भी हो जाएगा, आप लोग चाहो तो एक गमला पे भी लगा सकते हो आपका रूफटॉप गार्डन के अंदर। तो ये बहुत ही जल्द इसके अंदर फ्लावर फ्रूटिंग चालू हो जाएगा, तो फ्रूटिंग आने के बाद फिर से एक बार वीडियो करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इसके अलावा और भी मदर प्लांट हमारे पास अवेलेबल है, वो भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कस्तूरी ब्लैक मैंगो का मदर प्लांट है, इसके अंदर भी शायद फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुआ लेकिन मैं आशा करता हूँ फ्लावरिंग हो जाएगा इसके अंदर। तो एक कस्तूरी ब्लैक मैंगो ये हमारा इधर ज़मीन पे लगा हुआ है देख लीजिए, इसका एज भी 2 साल हो गया है, तो अभी तक इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुआ। तो इस साल आशा करता हूँ मैं इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगा। ये फ्लावर का पहला स्टेप की तरह लग रहा है, तो शायद इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाए। तो इसका भी छोटा पौधा हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो एक कस्तूरी का छोटा पौधा भी ले सकते हो हमारे से, कस्तूरी ब्लैक, ये चीज़ भी गमले के अंदर हो जाएगा, आप चाहो तो ज़मीन पे भी लगा सकते हो। तो गमले के अंदर भी लगाओगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं आएगा इसके अंदर फ्रूट्स आने में, तो आप चाहो तो गमले में भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ज़मीन पे भी लगा सकते हो। इसका बहुत सारा पौधा हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारा पौधा हमारे पास मदर प्लांट के तौर पर लगा हुआ है और अलग अलग वैरायटी का, तो चलिए वो चीज़ भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देख लीजिए, इसका भी जो एक फ्लावर का साइज़ देख लीजिए, 2.5 फीट तक एक फ्लावर का साइज है, तो आप मान के चलो कितना सारा फ्रूट्स एक फ्लावर के साथ मिल जाएगा आपको। ये जो प्लांट देख लीजिए कितना सारा फ्रूट्स लग गया है इसके अंदर, अभी बहुत सारा फ्रूट्स लग गया। ये चियांगमाई मैंगो है देख लीजिए, ये चियांगमाई का मैंगो, इसका भी मदर प्लांट हमारे पास लगा हुआ है, ये ज़मीन पे लगा हुआ मदर प्लांट है देख लीजिए। इसके अंदर बहुत सारा फ्लावरिंग चालू हो गया, इसके अंदर इस बार बहुत सारा फ्रूट्स आ जाएगा, तो आप देख पाओगे कितना सारा फ्रूट्स लगेगा इसके अंदर देख लीजिए। एक छोटा प्लांट के अंदर इतने सारा फ्लावर एक छोटा प्लांट के अंदर देख लीजिए, इधर सब छोटा छोटा मैंगो भी लग गया है देख लीजिए, बहुत सारा मैंगो इस बार फलेगा ये प्लांट के अंदर। तो आप लोगों के साथ फिर से एक बार शेयर कर दूँगा मैंगो लगने के बाद अभी जो फ्लावर है, तो देख लीजिए इधर फ्लावर सब मैच्योर हो गया, इधर अभी नया फ्लावर आ रहा है। तो ये चियांगमाई का मैंगो है, इसका छोटा पौधा बहुत सारा हमारे पास अवेलेबल है चियांगमाई का, तो आप चाहो तो ले सकते हो। हमारे इधर ये जो प्लांट मदर प्लांट के तौर पर लगा हुआ है इसका एज हो गया 2 से 2.5 साल,
तो इस टाइम में कितना सारा फ्रूट्स लग गया है इधर, तो आप चाहो तो ये चीज़ गमले में भी हो जाएगा, क्योंकि ये ड्वार्फ वैरायटी का होता है, तो गमले के साथ आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो वो जो हाफ ड्राम प्लास्टिक का जो हाफ ड्राम मिलता है 200 लीटर का, वो भी उसके अंदर भी लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका से हो जाएगा। आप गमले में लगाओ तो गमले के अंदर लगाओगे तो बहुत ही जल्द उसके अंदर फ्रूटिंग चालू हो जाएगा, लेकिन ज़मीन पे लगाओगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा फ्रूट्स आने में। तो आप चाहो तो रूफटॉप गार्डन के साथ गमले के अंदर लगा सकते हो ये चीज़। ये चियांगमाई का बहुत सारा पौधा हमारे पास अवेलेबल है, छोटा पौधा, तो ये मिल जाएगा आपको। इसके अलावा और भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है मैंगो का वैरायटी, तो चलिए देख लेते हैं वो मदर प्लांट क्या क्या है। दोस्तों अभी जो स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है ये भी हमारे एक मदर प्लांट है, मैंगो का ही मदर प्लांट है, ये भी ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, देख लीजिए। इसके अंदर भी फ्लावरिंग चालू हो गया, देख लीजिए कितना सारा फ्रूट्स लग गया है, सॉरी फ्लावर लग गया है। इधर भी फ्लावरिंग चालू हो गया बहुत सारा, ये भी एक नया तरीके का मैंगो प्लांट है, सबके अंदर फ्लावरिंग चालू हो गया है। ये टॉमी एटकिंस मैंगो का मदर प्लांट है, टॉमी एटकिंस, इतना छोटा प्लांट के अंदर इतना सारा फ्लावरिंग चालू हो गया, देख लीजिए। ये शायद 2 साल हो गया है, इसका जो एज 2 साल का ऊपर हो गया है ये टॉमी एटकिंस मैंगो। इसका छोटा प्लांट हमारे इधर लगा हुआ है जमीन के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारा फ्लावरिंग हो गया, वो भी एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों ये जो अभी प्लांट देख रहे हैं 2 से 2.5 फीट तक हाइट हो गए, 2 फुट तक हाइट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर अभी तक ब्रांच नहीं है एक भी। तो इसके अंदर कितना सारा फ्लावर लग गया है देख लीजिए, ये बहुत सारा फ्लावरिंग चालू हो गया। ये टॉमी एटकिंस का मैंगो है, तो इसका बड़ा पौधा अवेलेबल है हमारे पास अभी जो मिल जाएगा वो 7 से 8 फीट तक पौधा मिल जाएगा हाइट का। इसका छोटा पौधा भी बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा, आप चाहो तो ले सकते हो, ये 8 फीट का पौधा भी कुरियर से अवेलेबल है। तो दोस्तों जो जो चीज़ दिखाया है, इसके अलावा और भी बहुत सारा मैंगो प्लांट हमारे पास मदर प्लांट के तौर पर लगा हुआ है, बहुत सारा वैरायटी का मैंगो। तो एक वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो एक वीडियो के अंदर दिखाने का पॉसिबल नहीं है। तो एक एक पट पट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अभी जो जो चीज़ दिखाया है सबके सब छोटा पौधा हमारे पास अवेलेबल है, तो आप लोगों का मिल जाएगा छोटा पौधा, तो आपको मिल जाएगा सब पौधा छोटा पौधा, तो आप चाहो तो ले सकते हो हमारे से। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं और भी कुछ वैरायटी मैंगो का दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो यही तक है, मिलते हैं नए कई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए कई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, धन्यवाद।